एवरीबॉडी, दिस इज एडवोकेट वेव चितलांगा एंड आप सबका स्वागत है इस सेशन में जहां पे वी आर गोना डिस्कस अबाउट अब स्लैट में दैट इज सिंबायसिस लॉ स्कूल का जो एडमिशन टेस्ट है उसमें एडमिशन लेने के लिए अपने को क्या क्या करना है। आई नो बहुत सारे बच्चे यहां पे ऐसे हैं जो लोग सिंबायसिस लॉ स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसके लिए आप लोग ऑलरेडी अपना स्लैट का एग्जाम दे रखे हो जो 11th and 5th इन दो दिन, 5th में एंड 11th में इन दो तारीख को हुआ था। बट स्लैट का जो एडमिशन प्रोसेस है जिससे आपको एडमिशन मिलता है फॉर 5 years एग्जाम, 5 years कोर्स इन सिंबायसिस लॉ स्कूल पुणे, सिंबायसिस लॉ स्कूल नोएडा, सिंबायसिस लॉ स्कूल हैदराबाद एंड सिंबायसिस लॉ स्कूल नागपुर, ये चार जगह पे जब आपको एडमिशन लेना होता है फॉर 5 years का कोर्स, तो वहां का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से अपने को और थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है। रिटन टेस्ट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। रिटन टेस्ट के बाद भी आपको बहुत सारा दो स्टेप्स और लेना पड़ता है। जो स्टेप्स क्या है वो हम लोग आज समझेंगे एंड उन चीजों के लिए आपको तैयारी कैसे करनी है वो भी हम लोग आज समझने वाले हैं। Now, पहले हम लोग देख लेते हैं आपका जो ये स्लैट का एडमिशन है जहां पर आप 5 years लॉ कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाह रहे हो इन सिंबायसिस लॉ स्कूल, उसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले तो आपको अपना एक रिटन एग्जाम देना होता है, जैसा कि आपको पता है रिटन टेस्ट आप ऑलरेडी दे चुके होंगे, या तो 5th मई को आपने दिया होगा या 11th मई को आपने दिया होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, आपके रिटन टेस्ट के बेसिस पे जो आपको मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन, जहां पे आपका पर्सनल इंटरव्यू एंड रिटन एबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। आप यहां पढ़ सकते हो शॉर्टलिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस फॉर स्लैट के अंदर, शॉर्टलिस्टिंग फॉर पर्सनल इंटरेक्शन एंड रिटन एबिलिटी टेस्ट। अब ये पर्सनल इंटरेक्शन एंड रिटन एबिलिटी टेस्ट क्या है पहले इसको अपने समझते हैं। Now, स्लैट में जब आप स्लैट के थ्रू किसी भी सिंबायसिस लॉ स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो फॉर 5 years लॉ कोर्स, तो आपका जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में पहला स्टेप होता है रिटन एग्जाम जो आपने 5th and 11th मई को दिया था। फिर उस रिटन एग्जाम में अगर मान लो 1000 बच्चे होते हैं तो उनमें से कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, जिनको बुलाया जाता है सिंबायसिस लॉ स्कूल के कैंपस पे, और वहां बुला के आपका एक पर्सनल इंटरव्यू और रिटन एबिलिटी टेस्ट ये होता है। एंड में कलेक्टिवली आपका रिटन एग्जाम एज वेल एज ए पर्सनल इंटरव्यू एंड रिटन एबिलिटी टेस्ट को मिला के आपने जितना स्कोर किया है उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट निकलती है और आपको आपका एडमिशन दिया जाता है। तो अभी हम लोगों ने आधा ही जंग लड़ा है, आपके पास इस जंग के बाद भी कुछ आपको दो स्टेप फुलफिल करना पड़ेगा। नाउ पहला क्वेश्चन ये उठता है, हमें क्या इससे पता होगा कि हमें कहां जाना है या कहां पे जाके अपना रिटन एबिलिटी टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू देना है। तो आप देखो अराउंड 22nd मई, ठीक है, आपको आपका रिजल्ट बताया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि पर्सनल इंटरव्यू और रिटन एबिलिटी टेस्ट के लिए आप शॉर्टलिस्ट हुए हो कि नहीं। एक बार आपका शॉर्टलिस्टिंग का पूरा वो आ जाए, लिस्ट आ जाए, फिर आपको जाके अपना जो भी कैंपस है, तो अगर आपने SLS पुणे के लिए अप्लाई किया था तो SLS पुणे आपको जाना पड़ेगा फॉर योर पर्सनल इंटरव्यू। अगर आपने नोएडा, हैदराबाद या नागपुर के लिए अप्लाई किया था तो आपको रिस्पेक्टिव कैंपस में जाना पड़ेगा और वहां पे जाके आपको अपना पर्सनल इंटरव्यू एंड रिटन एबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा। याद रखना जो भी आपका पर्सनल इंटरव्यू एंड रिटन एबिलिटी टेस्ट का डेट होता है उस डेट को आपको वहां पहुंच के अपियर करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज एज इंपॉर्टेंट एज गिवन द रिटन टेस्ट। तो आपने रिटन टेस्ट दे दिया वो आधा है, अगर आपको पर्सनल इंटरव्यू और रिटन एबिलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है तो आपको उसके लिए भी कैंपस में जो डेट दिया गया उस दिन प्रेजेंट होना पड़ेगा और इन दो चीजों के लिए अपियर करना पड़ेगा। Now, ये पर्सनल इंटरव्यू एंड रिटन एबिलिटी टेस्ट है क्या, तो पहले अपने इसको समझते हैं, पहले अपने समझते हैं रिटन एबिलिटी टेस्ट क्या होता है। Now, रिटन एबिलिटी टेस्ट इज बेसिकली वो टेस्ट जहां पे सिंबायसिस लॉ स्कूल टेस्ट करता है कि आपका जो रिटन एबिलिटी है आप जो कितनी अच्छी तरीके से चीजों को लिख सकते हो। यहां पे कुछ नहीं किया जाएगा, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। आप वहां जाओगे, आपको एक रूम में बैठा दिया जाएगा एक पेपर और पेन के साथ, एंड यू विल बी गिवन अ टॉपिक जिसके ऊपर आपको एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के अंदर एक एसे लिख के आना होता है। तो बेसिकली रिटन एबिलिटी टेस्ट में कुछ भी नहीं होता, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट राइट एन एसे जो कि आपको इस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर दिया जाएगा, ठीक है। Now, क्वेश्चन ये उठता है कि सर ऐसे मतलब किस टाइप के टॉपिक पे दिया जाएगा, तो ये टॉपिक जनरली हम लोग ऐसा देखते हैं दो तरह के हो सकते हैं। नंबर वन, या तो आपके जो अभी करंट अफेयर्स चल रहे हैं, जैसे हो सकता है इंडिया इलेक्शन हो गया या प्रेस की इंडिपेंडेंस, बिकॉज इंडियन इलेक्शन के टाइम पे जो आपका प्रेस का इंडिपेंडेंस था उस पर बहुत क्वेश्चन आता है, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई जेनरिक टॉपिक आ सकता है, कोई ऐसा टॉपिक जो अभी बहुत ज्यादा हॉट न्यूज में वो आपसे पूछा जा सकता है, या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ही एकदम जेनरिक स्टेटमेंट है। सो फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज सिटिंग फॉर माय रिटन एबिलिटी टेस्ट, हमें टॉपिक दिया गया था वसुधैव कुटुंबकम, जैसे ऑल वर्ल्ड इज अ फैमिली, इससे रिलेटेड एक टॉपिक दिया गया था जिसपे हम लोग को एक रिटन पूरा एक ऐसे लिखना पड़ा था, ठीक है। Now, आप क्या क्या चीज को दिमाग में रख सकते हो ये रिटन एबिलिटी टेस्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए। गाइज, रिटन एबिलिटी टेस्ट में ना क्या टॉपिक्स आ सकते हैं वो बहुत डिफिकल्ट है किसी को भी बताना, जो बेसिक टॉपिक है जो आपको जनरल में चीजें पता है उसके ऊपर ही आपको लिखने बोला जाएगा, तो इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है कि क्या टॉपिक आ सकता है। आप पहले से पढ़ के नहीं जा सकते हो कि हाँ ये टॉपिक्स आएगा तो ये अपने पढ़ के जा सकते हैं, द होल वर्ल्ड इज द लिस्ट जिसके ऊपर आपको टॉपिक्स पूछा जा सकता है। तो अपने क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू टू मेक आर
रिटन एबिलिटी टेस्ट का जो राइटअप है, अ गुड राइटअप इज टू फॉलो सर्टन थिंग्स. नंबर वन, मेक श्योर कि आप अपना राइटअप में कुछ ना कोई कोट या कोई ना कोई बहुत इंटरेस्टिंग सा कैची सा लाइन यूज करो, बिकॉज दैट विल मेक यू स्टैंड आउट ऑफ द अदर पीपल. आज वहां पे जितने लोग बैठे हैं सब लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक राइटअप देने वाले हैं, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसमें आप अपना राइटअप को डिफरेंट स्टैंड करा पाओ. एंड द इजिएस्ट वे टू डू दैट इज राइट अ कोट और एन एडेज. मतलब एडेज मतलब कोई कहावत है जो उससे रिलेटेड है या कोई कोट है जो उससे रिलेटेड है, उस पर आप लिख सकते हो. सो फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज सिटिंग फॉर माय रिटन एबिलिटी टेस्ट, हमारा टॉपिक एक्चुअली वसुधैव कुटुंबकम नहीं था. हमारा टॉपिक था दैट वी शुड डू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड इंटरनेशनल लेवल पे हमें साथ में मिलकर काम करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, उसमें मैंने स्पेसिफिकली ये पॉइंट लिखा था कि एज इज सेड इन द ओल्ड एडेज वसुधैव कुटुंबकम, विच मींस कि द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, देयर इज अ रिक्वायरमेंट दैट ऑल ऑफ अस शुड जॉइन हैंड्स एंड वर्क टुवर्ड्स कलेक्टिव ग्रोथ ऑफ एवरीबॉडी विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी. तो जब आप अपना रिटन एबिलिटी टेस्ट में कुछ ऐसा अलग सा पॉइंट लिख देते हो, इट विल हेल्प योर जो भी राइटअप है स्टैंड अपार्ट फ्रॉम अदर्स, एंड वहां पे आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं. ठीक है, उसके अलावा सेकंड चीज इसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए इज आपको एक यू नो लिमिट दिया जाएगा, वर्ड्स का लिमिट, उसके अंदर ही बैठ के आपको पूरा अपना राइटअप लिखना है. तो यू हैव टू इंश्योर कि आप जो भी राइटअप लिख रहे हो उसमें एक प्रॉपर फ्लो बने. प्रॉपर फ्लो बने मतलब देयर शुड बी अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन इन द बिगनिंग. पहला पैराग्राफ में आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि ये टॉपिक क्या है, फिर उसके बाद अगले पैराग्राफ में यू आर गोना राइट एवरीथिंग दैट यू वांट टू राइट अबाउट दैट टॉपिक, एंड थर्ड पैराग्राफ में फिर आप उसको कंक्लूड करोगे. तो याद रखना, कभी भी कोई भी राइटअप लिखो इन अ रिटन एबिलिटी टेस्ट, देयर शुड ऑलवेज बी एन इंट्रोडक्शन पैराग्राफ एंड अ कंक्लूडिंग पैराग्राफ. बीच में आपको जो लिखना है, जो भी मेरिट्स का सब्जेक्ट मैटर डालना है आपको, आप डाल सकते हो, बट इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ 100% होना ही चाहिए. इन दो चीजों का ध्यान रखना. इसके अलावा जो जनरल टॉपिक्स आपके पास है, जो यू नो अमृता मैम से यू कैन कॉन्टैक्ट, अमृता मैम इज गोना गिव यू अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जिसको आप आराम से उसके बारे में कुछ पढ़ सकते हो. ऑनेस्टली आई डोंट फील कि टॉपिक्स आपको पहले से पता होगा तो उससे कोई फायदा होने वाला है, बिकॉज ये टॉपिक्स कुछ भी हो सकता है. नोबडी हैज एनी आइडिया कि क्या टॉपिक लोग दे सकते हैं. तो वॉट यू शुड एक्चुअली वर्क ऑन इज मेक अ प्लान कि किस ऑर्डर में आप इसको लिखने वाले हो. जब भी टॉपिक मिलेगा गाइज, याद रखना स्टार्टिंग में तुरंत भरो लिखने मत स्टार्ट कर देना. गिव योरसेल्फ 5 मिनट्स, एक स्ट्रक्चर बनाओ दिमाग में प्रॉपर कि आप कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने वाले हो, कौन से पॉइंट को स्टार्टिंग में लिखोगे, कौन से पॉइंट को बाद में लिखोगे, एंड स्ट्रक्चर देने के बाद ही स्टार्ट राइटिंग दैट राइटअप. प्लीज हड़बड़ाना मत, बिकॉज रिटन एबिलिटी टेस्ट में आप जो भी राइटअप लिखते हो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, उसका काफी वेटेज रहता है. ठीक है, Now, एक बार आपका रिटन एबिलिटी टेस्ट हो जाएगा ना, तो उसी दिन आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होता है. इट डज नॉट मैटर कि आप रिटन एबिलिटी टेस्ट में कैसे करते हो, ये दोनों टेस्ट में आपको बैठना ही है. ठीक है, अब अगर पर्सनल इंटरव्यू की बात करें तो क्या क्या चीजें ऐसी है जो आपको पर्सनल इंटरव्यू में ध्यान रखना चाहिए. सबसे पहले तो गाइज, वॉट यू आर वेयरिंग. पर्सनल इंटरव्यू में आपके पास ऐसे लिखा गया कि 6 से 8 मिनट होगा, बट आपके पास उससे ज्यादा टाइम होता है, बिकॉज आपको दैट इज द ओनली टाइम वेन योर यू नो People who are interviewing you, your interviewers will get to judge you. ठीक है, तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट होता है, you should dress properly. कुछ हम लोग को बहुत ऐसे casual सा पहन के नहीं जाना चाहिए. आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो try करो जितना हो सके, इनफैक्ट try मत करो, make sure that you are wearing a formal attire. चाहे आप एक लड़का हो या लड़की हो, सबसे पहले तो please make sure कि आप इंटरव्यू में बैठोगे तो एक formal attire पहन के बैठो. It should be something which is decent, it should be something which is formal, because आप जब formal पहन के जाते हो तो कहीं ना कहीं एक लेवल ऑफ सीरियसनेस और एक लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म आप में पहले से दिखता है, विच ऑब्वियसली वर्क्स इन योर फेवर. वही मान लो अगर हम मस्त स्वेटशर्ट पहन के चले जाएंगे तो सामने वाले इंटरव्यूअर्स भी सोचेंगे भाई ये बंदा इतना भी सीरियस नहीं है कि इंटरव्यू के लिए एक प्रॉपर कपड़ा पहन के आ गया. तो मेक श्योर कि फॉर्मल्स पहनो. आई एम नॉट सेइंग कि प्रॉपर सूट बूट पहन के जाना है, फॉर्मल शर्ट एंड पैंट विद फॉर्मल शूज विल बी मोर देन इनफ. फॉर्मल शूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइज, प्लीज ये मत सोचना कि शॉर्ट पैंट तो पहन लिया, नीचे जूता कोई भी स्पोर्ट्स शूज पहने तो चल जाएगा. इट लुक्स वेरी बैड एंड इट रिफ्लेक्ट्स वेरी बैडली ऑन यू जब आप इतने फॉर्मल सेटअप में, फॉर्मल इवेंट में स्पोर्ट्स शूज पहन के जाते हो. तो प्लीज मेक श्योर कि आप जो जूते भी पहन रहे हो वो भी फॉर्मल रहे एंड प्रॉपर तरीके से पॉलिश रहे. आफ्टर योर अटायर कम्स योर लुक. प्लीज मेक श्योर कि आप एकदम शादी होकर ना जाओ. जो लड़के हैं अपना दाढ़ी वगैरह अगर आप रखते हो तो उसको अच्छे से तारी से को सेट करके जाना, हेयर कट ढंग से करा के जाना. लड़कियां प्लीज ऐसे शादी बाल खोल के एकदम यू नो स्टाइल मारने मत जाना. यू आर नॉट गोइंग टू अ फैशन शो, यू आर गोइंग टू अ पर्सनल इंटरव्यू राउंड फॉर योर सिलेक्शन इन टू द अकेडमी, इन टू द ऑर्गेनाइजेशन. तो मेक श्योर दैट यू टाई अ पोनी या फिर आप प्रॉपर तरीके से अपने बाल को ठीक से करके जाओ. आपका लुक और अटायर इज गोइंग टू कास्ट द फर्स्ट इंप्रेशन, एंड हम लोग हमेशा से ये बात बोलता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. तो जो भी कपड़ा पहन रहे हो और जिस तरीके से आप अपना शक्ल बना के जा रहे हो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है,
उसके बाद आता है कि आप जब इंटरव्यू में बैठोगे तो आप वहां बात कैसे करोगे। तो गाइस इंटरव्यू की तैयारी आप पहले से करके जाना चाहिए। यू शुड बी श्योर कि आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो। और इंटरव्यू की तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है योर सीवी। मेक श्योर कि ऐसे हाथ हिलाते लाते आप नहीं पहुंच जा रहे हो वहां पे। हैव अ डॉक्यूमेंट जिसमें आप अपने बारे में डिटेल्स दो। सीवी का बहुत सारा यू विल गेट यू नो टेम्पलेट्स ऑन गूगल। यू अगर इफ यू वांट आई कैन आस्क अमृता मैम टू गिव यू सम टेम्पलेट्स। आप प्रॉपर सीवी बना के जाओ जहां पे आप अपना एकेडमिक अचीवमेंट्स, आपका को करिकुलर अचीवमेंट्स एंड अदर थिंग्स अबाउट यू दैट यू वांट द इंटरव्यूअर टू नो, वो उसमें होना ही चाहिए। जैसे एक जॉब इंटरव्यू में बंदा रेज्यूमे या सीवी लेके जाता है, सेम वे इस इंटरव्यू में भी आपके पास एक प्रॉपर सीवी होना चाहिए। एंड उस सीवी में जो भी अचीवमेंट्स के बारे में लिख रहे हो उनको सपोर्ट करने के लिए प्रॉपर सर्टिफिकेट्स भी होने चाहिए। इंटरव्यू में 10 मिनट में कोई आपको जज नहीं कर पाएगा। आप अगर जाके बोलोगे कि मैं तो कराटे में चैंपियन था, अरे कराटे में चैंपियन था ये तो कोई भी बोल सकता है, सर्टिफिकेट कहां पे है। तो मेक श्योर कि आप अपने अचीवमेंट्स को दिखाओ बिकॉज द इंटरव्यूअर शुड वॉन्ट टू हैव यू इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। एंड उसका सबसे सही तरीका होता है एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें आप सारे अचीवमेंट्स को अपने बारे में अपने हॉबीज को लिस्ट आउट करो एंड उन अचीवमेंट्स का प्रॉपर प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड थिंग, आपने अगर अपने सीवी में लिखा है कि यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, बी प्रिपेयर्ड कि शायद आपको कॉमर्स में अकाउंट्स रिलेटेड या उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेम वे अगर आपने अपने सीवी में लिखा है दैट यू आर अ साइंस स्टूडेंट, बी प्रिपेयर्ड कि आपको साइंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बिकॉज दिस इज द ओनली वे इन विच दीज पीपल विल बी एबल टू जज योर नॉलेज। तो अगर आपके नॉलेज को लोगों को जज करना है, दे विल आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट एवरीथिंग दैट यू हैव रिटन इन योर सीवी। अगर आपने कोई अचीवमेंट लिखा है कि प्रोबेबली आप कथक बहुत अच्छा सीखते हो या आपने कथक में विशारद कर रखा है, तो आपको वो लोग कथक के बारे में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आपने वहां पे लिखा है कि आपने प्रोबेबली किसी को असिस्ट किया था इन यू नो ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट, दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट दैट। तो आपके सीवी में कुछ भी लिखा हुआ है, मेक श्योर कि आपके सीवी में जो भी है उसके बारे में आपको पता होगा। आपको कई लोग मिलेंगे सजेस्ट करते हुए कि प्लीज तुम सीवी में जो अच्छा है अच्छा अच्छा सब चीज लिख लो, झूठो सचो कोई फर्क नहीं पड़ता है। गाइस फर्क पड़ता है बिकॉज सीवी में आप जो लिखोगे अगर वो आपके अपने अचीवमेंट्स होगे तो जब आप उन अचीवमेंट्स के बारे में बात करोगे ना, सामने वाले बंदे को बैठ के समझ में आ जाता है कि वो सच है कि झूठ है। प्लस जब आपको अगर गलती से डिटेल्स पूछ लिया जाए और आपने डिटेल्स गलत दे दिए तो आपका पत्ता वहीं पर कट जाएगा। तो मेक श्योर जितने अचीवमेंट्स है, 1, 2, 3 अचीवमेंट्स जो भी है वही लिख के जाना एंड नो अबाउट दोज अचीवमेंट्स बिकॉज दे विल आस्क यू अबाउट इट। अब अगर किसी इंटरव्यू ने आपसे पूछा उन अचीवमेंट्स के बारे में, आपको दिखाना पड़ेगा कि वो अपना आपका अपना अचीवमेंट है, तो बी वेरी एक्साइटेड वाइल टॉकिंग अबाउट इट। बट वहीं पे बैठ के अपना ही ट्रम्पेट ब्लो करने मत बैठ जाना कि हम ऐसे, हम इतने अच्छे, हम ये वो। टॉक अबाउट इट बट एट द सेम टाइम बी हम्बल, बी वेरी डाउन टू अर्थ। मेक श्योर कि आप सामने वाले को ऐसा फील नहीं करा रहे हो कि यू आर वेरी नार्सिसिस्टिक और प्राउड ऑफ योर सेल्फ। जस्ट मेक श्योर कि आप उनको बता दो जितना उन्होंने पूछा है। ठीक है, देन इंटरव्यू में कई बार बच्चे कहां फंसते हैं। इंटरव्यू में मान लो उन्होंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा एंड यू जेन्युइनली डोंट नो अबाउट इट। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि प्रेशर ऐसा बन जाता है कि हम लोग आंसर नहीं कर पाते, तो वैसे में क्या करना चाहिए, अगेन सम पीपल विल कम एंड टेल यू कि वैसे में जो दिमाग में आ रहा है बोल दो या फिर कुछ झूठ सच बोल दो या कुछ इधर उधर की बातें कर लो या बात घुमा दो। That is suicidal, guys. ठीक है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है which you feel is a legit question and you really don't know anything about it, या फिर आपको उस समय recall नहीं हो पा रहा है, be very honest, be very humble and just say कि I am very sorry, I cannot recall it at the moment. बस इतना सही आपको बोलना है। अगर आपने झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया, अगर आपने वहां पे कुछ उल्टी सीधी बातें करनी स्टार्ट कर गई, आप आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाओगे बिकॉज द पीपल हु आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू आर एक्सपर्ट्स। वो हर साल ये काम 10 बार करते हैं। ठीक है, तो उन्हें पता है कौन कब सच बोल रहा है कौन कब झूठ बोल रहा है। कुछ बाहर नहीं गिर जाएगा अगर आप आंसर नहीं कर पाओगे उनको। ठीक है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है यार, इट्स जस्ट ह्यूमन। दिस विल नॉट जस्ट हेल्प यू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू एंश्योर कि सामने वाला पार्टी के सामने या सामने वाले जो इंटरव्यूज है उनके सामने आप एक ऐसा इंप्रेशन कास्ट करो विच शोज यू एज अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। ठीक है, बिकॉज एक कॉन्फिडेंट पर्सन ये बात बोल सकता है कि आई एम वेरी सॉरी, आई कैन नॉट रिकॉल इट एट द मोमेंट। ठीक है, इसके अलावा जनरल में ही प्लीज बी वेरी पेशेंट इन योर इंटरव्यू। कई बार इंटरव्यूअर्स जो बैठते हैं वो जानबूझ के आपको एक ही चीज को लेके बक करेंगे टू सी योर पेशेंस लेवल। तो बी पेशेंट, बी स्माइलिंग थ्रू आउट, मतलब ऐसे पागल से है नहीं करते रहना है, बट बी वेरी हैव अ वेरी स्माइलिंग फेस। वाई? बिकॉज द इंटरव्यू शुड फील दैट इट इज वेरी प्लेजेंट टॉकिंग टू यू, दे शुड ऑल्सो हैव अ गुड टाइम। एंड जो भी क्वेश्चन पूछेंगे बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड येट हम्बल एट द सेम टाइम। ठीक है, ये चीजों को अगर आप दिमाग में रखोगे तो आपका पर्सनल इंटरव्यू क्रैक करने में नोबडी कैन स्टॉप यू। पर्सनल इंटरव्यू में द पर्सन द इंटरव्यूअर वांट्स टू नो यू एज अ पर्सन एंड नॉट अ मेड अप वर्जन ऑफ यू। प्लीज गाइस इसको दिमाग में रखना। इंटरव्यूज अपने जब भी करते हैं हम सामने वाले बंदे की ओरिजिनलिटी जानना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ वो कुछ दिखाना जा रहा है वो हम जानना चाहते हैं। राइट, तो आप जितना ओरिजिनल रहोगे, जितने हम्बल रहोगे, जितने पेशेंट रहोगे एंड जितने स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे, इट विल वर्क इन योर फेवर। ठीक है,
ये दोनों राउंड्स होने के बाद आपको एक क्यूमुलेटिव स्कोर दिया जाएगा जिसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट निकलने वाला है एंड आपको पता चलेगा कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो प्लीज 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 आई होप ये सब चीजों को आप ध्यान में रखोगे। रिटन एबिलिटी टेस्ट के लिए मेक श्योर यू यूज सम कोट। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोट्स नहीं आते हैं, 5-6 जनरल कोट्स याद करके जाओ सो दैट आप अपने एग्जाम में लिख के आ सको। मेक अ स्ट्रक्चर बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग, मेक एन इंट्रोडक्शन पैराग्राफ एंड अ कंक्लूजन पैराग्राफ एंड हैव अ फ्लो इन योर राइटअप। देयर शुड बी अ फ्लो कि हाँ इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, बहुत हाफजार्ड नहीं लिखना है। अच्छा, कई लोग आपको ये भी बोलेंगे कि बहुत डिफिकल्ट फैंसी वर्ड्स यूज करो उससे राइटअप अच्छा लगता है। डोंट, ठीक है, जितना इंग्लिश आपको आता है उतने इंग्लिश में लिख के आना, बिकॉज अगेन वहां पे व्हाट यू राइट मेक्स मोर इंपॉर्टेंस, इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू व्हाट वर्ड्स यू आर यूजिंग। अगर आपने बहुत फैंसी वर्ड्स यूज करने के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा लिख दिया तो वो आपके अगेंस्ट चला जाएगा। तो सिंपल ही लिखो लेकिन अच्छा चीज लिख के आना, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू की बात करें तो व्हाट यू वेयर वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू लुक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप किस तरीके से बात कर रहे हो, कितना हम्बल होकर बात कर रहे हो, कितना अकड़ के बात कर रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर यू हैव अ सीवी और अ डॉक्यूमेंट दैट विल लिस्ट आउट ऑल योर अचीवमेंट्स, अपने हर एक अचीवमेंट का, चाहे वो क्लास 10th का रिजल्ट हो, चाहे वो आपके प्री बोर्ड के रिजल्ट हो, चाहे वो आपका कोई ओलंपियाड का एक रिजल्ट हो, डांस स्पोर्ट्स किसी का भी रिजल्ट हो या किसी का भी अचीवमेंट हो, मेक श्योर उसका सर्टिफिकेट आपके पास है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो कुछ एविडेंस लेके जाना, प्रूफ ऑफ फोटोज और समथिंग, एनीथिंग, ठीक है, आप लेके जाना सो दैट सामने वाला बंदा उस चीज को देख के इंप्रेस हो जाए। एक फोल्डर में ये सब चीज अच्छे से डाल के लेके जाना, मेक इट वेरी 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 नाइसली प्रेजेंटेड। And, उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए, आंसर द क्वेश्चंस विद अ स्माइलिंग फेस, आंसर योर क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली। अगर कहीं पे भी ऐसा होता है कि नहीं आपको नहीं याद आ रहा है क्या था आंसर, जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट विद देम एंड टेल देम सॉरी आई कैन नॉट रिकॉल इट एट द मोमेंट, दे आर नॉट गोना किल यू बट दे विल अप्रिशिएट दैट यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन टू से दैट, राइट। इतनी चीजों को अगर आप ध्यान रखोगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपका पर्सनल इंटरव्यू एंड रिटन एबिलिटी टेस्ट का जो राउंड है वो बहुत आराम से निकलेगा। इट इज अ फन राउंड, इट द डे इज फुल ऑफ फन, बहुत एड्रेनलिन रश होता है एंड काफी मजा आता है। आई हैव बीन देयर सो आई नो एंड Yes, I did qualify. मतलब I qualified, I got through the merit list. So हम आपको जो बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, मेक श्योर यू टेक केयर ऑफ दीज थ्री थिंग्स, ठीक है। चलिए तो ऑल द बेस्ट, वेरी ऑल द वेरी 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 बेस्ट गाइज। जितने लोगों को भी जाना है इंटरव्यूज के लिए, मेक श्योर आप जगह पे टाइम से पहुंचो, लेट मत करना एंड अच्छे से फाड़ के आओ, मिलते हैं अपने रिजल्ट के उस पार, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।